ग्रेजुएशन के बाद एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, लेकिन यहाँ पर संत मेरी नर्सरी स्कूल में इस सेरेमनी को मनाने का क्या उद्देश्य है। साथ ही देखेंगे एक एग्जीबिशन को जिसको टीचर्स ने खुद तैयार किया है और भी बहुत कुछ। Journey of SMN is 40 years. It has been running 44 years, and we have displayed our teachers, teaching staff, non-teaching, and principal, and our school committee members' photos. After that, we have displayed here many activities which we observed throughout the year. And we have displayed our various competitions that we observed the whole year. And last of all, we have written, we have displayed our feedback, parents' feedback, and a suggestion box. ये ग्रेजुएशन सेरेमनी था मैडम हमारे पासिंग आउट स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि स्कूल का नाम है सेंट मेरीज नर्सरी स्कूल, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन देता है ये स्कूल, और हमारी जो हाईएस्ट क्लास है यहाँ की UKG, इस क्लास के बच्चे इस साल हमारे स्कूल से पास आउट होके क्लास 1 की प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्पेशली हमारे हायर विंग MGM हायर सेकेंडरी स्कूल जा रहे हैं। तो उनका हम लोगों ने आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। नर्सरी ग्रेजुएशन, किंडरगार्टन ग्रेजुएशन भी कहा जाता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अचीवमेंट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज डेफिनेटली उन्होंने अपने एजुकेशन की जो यात्रा है, जर्नी है, वो अभी स्टार्ट ही की है हमारे साथ में, बट स्टिल उनके जो लास्ट 3 ईयर्स यहाँ पे रहे हैं, 3 साल ये बच्चे हमारे साथ स्कूल में पढ़े हैं, उन्होंने अपने आप को जो बिल्कुल ब्लैंक आए थे, जिनको ना तो आ ई आता था, ना ABCD आता था, ना 1 2 3 आता था, हमारे साथ रहते हुए पिछले 3 सालों में हमने उन्हें इस लायक बनाया है कि वो अब क्लास 1 की पढ़ाई आगे पूरी कर सकें, आगे बढ़ा सकें उसके लिए। तो हमारा एक खुशी उनके साथ बांटते हुए उसे हम गुड बाय भी कह रहे हैं, एडियो भी कह रहे हैं, और हमारे यहाँ से निकलते हुए मरियंस कहलाते हुए ये आगे की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। टू थैंक माई टीचर्स फॉर ऑल द जॉय वी हैव हैड, दे ट्रूली मेड लर्निंग फन, इन द शॉर्ट टाइम वी डेवलप कमांड ओवर नंबर्स, लेटर्स, सेंटेंसेस एज वेल एज लर्निंग वैल्यूज दैट शेप अस एज अ बेटर ह्यूमन।
फिर हमने जान ही लिया आखिर एक ग्रेजुएशन सेरेमनी क्या है, मनाया भी क्यों ना जाए। जब बच्चे 3 साल ही जैसे ग्रेजुएशन का पीरियड होता है वैसे यहाँ पर भी 3 साल का पीरियड होता है और बच्चे भी ग्रेजुएट हो रहे हैं प्री प्राइमरी से, अब वो प्राइमरी विंग में जाएंगे और उनको ग्रेजुएशन के लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। ऐसे ही बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। बने रहे thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।